जैसे कि आप भी जानते हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अभी जो बिल है प्रपोज किया गया है उसके अकॉर्डिंग अभी क्लैरिटी कुछ भी नहीं मिली है कि यहाँ आपके ऊपर क्या पेनल्टीज लगने वाली हैं या फिर किस चीज़ को क्रिमिनलाइज किया जाएगा और इसके बाद आपके ऊपर टैक्सेस क्या लगने वाले हैं। तो हम अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी अभी यहाँ पूरी की पूरी खतरे में है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं, या फिर इसमें प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं कि नहीं। करंटली आप डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे होंगे क्योंकि अभी बहुत अच्छी रैली चल रही है। बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो वो $60,000 फिर से टच कर रहे हैं और इसी के साथ ऑल्ट कॉइन्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर हम बात करें NFTs की तो NFTs में भी बहुत अच्छा हमें NFT टोकन्स के द्वारा बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर आप डायरेक्टली NFTs को बाय करके और भी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन इसी के साथ हमें कुछ ऐसे लेजिट तरीके आज हम आपके लिए लेके आए हैं जिसके द्वारा आप यहाँ क्रिप्टोकरेंसीज में इनडायरेक्टली परचेजेस कर पाएंगे या फिर इनडायरेक्टली क्रिप्टोकरेंसीज के प्रॉफिट्स का एक्सपोजर ले पाएंगे, जिससे आपको प्रॉफिट डेफिनेटली मिलने वाला है लेकिन आप यहाँ डायरेक्टली क्रिप्टोकरेंसीज के साथ डील नहीं करेंगे। तो ये सारी डिस्कशन हम करने वाले इस वीडियो में, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी से वॉल ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारी क्रिप्टोकरेंसीज की लेटेस्ट अपडेट्स और इसके साथ आपको लेटेस्ट कॉल्स एंड सिग्नल्स मिलते रहें। और हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, चैनल है, उसको भी क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसको ज्वाइन करके आपको यहाँ सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी, क्योंकि रिसेंटली अगर हम बात करें तो यहाँ ट्रॉन में बहुत बड़ा मूव देखने को मिला है, जिसमें करीब अभी ट्रॉन 5 रुपीज़ से भी ऊपर पहुंचा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ रिपल की XRP की, तो उसका भी बहुत अच्छा करीब 12% का मूव देखने को मिला है, अच्छा सर्च देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ अगर हम बाकी ऑल्टकॉइन्स की बात करते हैं तो सारी डिटेल्स हम उसी ग्रुप में डालते रहते हैं ताकि आप टाइमली बाय कर पाएँ और उसके बाद सेल भी कर पाएँ और अपने प्रॉफिट्स को बुक कर पाएँ। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप उसको अभी से ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम सारे लेटेस्ट अपडेट्स ही लाने वाले हैं, पूरी रिसर्च बेस्ड वीडियोस रहेंगी, पूरी वैल्यूबल वीडियोस रहेंगी आपके लिए। तो अभी हम बात करते हैं कि आप यहाँ प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं इनडायरेक्टली क्रिप्टोकरेंसीज में। सबसे पहला ऑप्शन तो यह है कि आप ऐसे कुछ कंपनीज में या फिर ऐसे कुछ कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिसकी कंपनीज मेनली यहाँ क्रिप्टोकरेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं या फिर उनकी होल्डिंग्स क्रिप्टोकरेंसीज में है। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम बात करें टेस्ला की बात करें या फिर हम बात करते हैं माइक्रो स्ट्रेटजी की, तो इन कंपनीज की जो मैक्सिमम होल्डिंग है वो क्रिप्टोकरेंसीज में है, जो कि करीब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। तो इनका डेफिनेटली जब भी बिटकॉइंस में बिटकॉइन के प्राइस में मूव आएगा या फिर ऑल्टकॉइंस में भी मूव आएगा तो इनका जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज होने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बाकी और कुछ कंपनीज की बात करते हैं तो वो भी यहाँ होल्ड रहे हैं, जैसे हम ग्रेस्केल की बात कर लेते हैं, तो ऐसी कंपनीज के अगर हम स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, स्टॉक्स को बाय करते हैं, तो उनमें ट्रेड करते हैं, तो हम डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट ले पाएंगे क्योंकि यहाँ हमें क्रिप्टो करेंसी का एक्सपोजर मिलेगा एंड वो भी इनडायरेक्टली बिना किसी डर के, बिना किसी यहाँ पेनल्टीज के। दूसरी अगर हम बात करें तो आप यहाँ कुछ ऐसी कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो डायरेक्टली डील करती है GPUs में, यानी कि ऐसी कुछ कंपनीज जो GPUs बनाती हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स। अगर आप नहीं जानते तो जितनी भी क्रिप्टोकरेंसीज की माइनिंग्स होती हैं, अगर हम किसी भी क्रिप्टोकरेंसी की बात करें, चाहे बिटकॉइन है, इथेरियम है, या फिर आज हम छोटी क्रिप्टोकरेंसीज की बात करें, अगर हम पाई करेंसी की बात करें, उसकी भी माइनिंग पॉसिबल है। तो इन माइनिंग के लिए यहाँ कुछ GPUs की यूजेज की जाती है। अब GPUs के बहुत बड़े रिग्स बनाए जाते हैं, तो इन रिग्स को जब यूज़ किया जाता है तो यहाँ क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग होती है। तो ऐसी कंपनीज जो यहाँ GPUs बनाती है वो हमेशा प्रॉफिट्स में रहने वाली, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जो वेव चल रहा है वो क्रिप्टोकरेंसीज का चल रहा है। बहुत ज़्यादा जो इंक्रीज़ आ रहा है वो क्रिप्टोकरेंसीज में ही आ रहा है। अगर हम कंपेयर करते हैं स्टॉक से या फिर ऐसे फॉरेक्स से, तो वहाँ इतना बड़ा आपको प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ जो क्रिप्टोकरेंसीज में यहाँ इंक्रीज़ आ रहा है तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ जो माइनिंग है वो भी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो माइनिंग के लिए यहाँ GPUs को यूज़ किया जाता है एंड GPU बनाने वाली कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ भी आपके स्टॉक प्राइसेस में एक अच्छा प्राइस देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, जैसे इंडियन गवर्नमेंट अभी स्टार्टअप्स को अलाउ करना चाहता है या फिर ऐसी कंपनीज को अलाउ करना चाहता है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव लेके आएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से पहले से ही बहुत सी ऐसी कंपनीज है, जैसे कि PayPal है, या फिर हम गूगल की बात करें, IBM की बात करें, ऐसी कंपनीज है जो ऑलरेडी यहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही हैं और इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छी इनोवेशन लेके आ रही हैं और इसी के साथ उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो उसका रीज़न ये कि यहाँ जो इन कंपनीज़ का मेन अभी जो जा रहा है इन्वेस्टमेंट्स, वो सारी की सारी इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में जा रही हैं। तो आप ऐसी कंपनीज को चूज़ कर सकते हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही हैं और यहाँ आपको डेफिनेटली उनमें भी प्राइस में इंक्रीज़ देखने को मिलने वाला है, और ऐसा ही जल्द आपको यहाँ इंडियन कंपनीज में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर क्रिप्टोकरेंसी बैन हो जाती है तो फिर भी यहाँ स्टार्टअप्स उसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगे जो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, इनोवेशंस करेंगे, R&D करेंगे ब्लॉकचेन में। लेकिन इसी के साथ अगर हम कुछ रीसेंट सिनेरियोज की बात करें तो यहाँ DeFi के बाद NFTs आए हैं, इसी के साथ यहाँ
और भी बहुत कुछ नया आया है। यहाँ CBDC भी आने वाला है, यानी कि आपको यहाँ कुछ डिजिटल करेंसीज भी देखने को मिलेगी हर कंट्रीज़ की। अगर हम चाइना की बात करते तो उन्होंने अपना खुद का युआन बनाया जो डिजिटल युआन है। इसी तरीके से इंडिया भी अपना खुद का डिजिटल रूपी लेके आएगा। तो हर कंट्री अपना एक डिजिटल करेंसी लेके आ रही है, लेकिन वो डिजिटल करेंसीज का जो प्राइस है वो पैक्ड रहेगा टू फिएट करेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा इंक्रीज़ देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन करंटली अगर हम NFTs को साइड पे रखते हैं और अगर हम बात करें सिर्फ ETFs की, यानी कि यहाँ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किए जा रहे हैं, बहुत सी कंपनीज इनमें इन्वेस्ट कर रही हैं। अगर हम एलन मस्क की बात करें तो टेस्ला के जो CEO उन्होंने भी यहाँ ETFs में इन्वेस्ट किया है, BTC ETFs में। और अगर हम बात करते हैं ग्रे स्केल की या फिर और भी ऐसी कंपनीज़ की जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने सिर्फ यहाँ क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट नहीं किया बल्कि वो एक्सपोजर यहाँ ETFs का भी लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ 21 शेयर्स जो स्विट्ज़रलैंड की एक्सचेंज है वहाँ ETFs को जो ट्रेड किया जा रहा है, BTC, ETH, LTC, इवन XRP का, तो इनके ETFs में उन्होंने निवेश किया है। तो इसकी वजह से जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जब भी किसी कॉइन में आती हैं या फिर ETF में आती हैं तो डेफिनेटली उन ETFs में भी यहाँ प्राइस में इंक्रीज़ देखने को मिलता है। और ऐसे बिल्कुल सेम हो रहा है पिछले कुछ समय से। तो ETFs ये अभी बिल्कुल नया कंसेप्ट है जो करीब 1-3 महीने से बहुत अच्छा यहाँ गेन कर रहा है। तो इसकी वजह से आप ETFs भी ऑप्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने की जगह ETFs में कर सकते हैं, क्योंकि ETFs जो हैं वो स्टॉक के ऊपर या फिर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड किए जाते हैं जस्ट लाइक एनी अदर स्टॉक। तो हम इनको एज ए स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको जो डिजिटल कॉइन्स हैं या फिर डिजिटल करेंसीज आने वाली हैं जो सिर्फ कंट्रीज़ की होंगी, जैसे कि डिजिटल रूपी होगा, उनमें इतना आपको यहाँ एक्सपोजर नहीं मिलेगा, प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ ETFs की, तो ETFs आपको यहाँ बहुत अच्छा गेन देने वाले हैं। और अब हम बात करते हैं NFTs के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ समय से यहाँ बहुत से लोग हमें कमेंट करके बोल रहे थे कि NFTs के बारे में कुछ अपडेट दें। तो NFTs अगर हम बात करें, जो पर्टिकुलरली HBAR है, यहाँ इंजन है या फिर Alice है, तो इन कॉइन्स में यहाँ एक बहुत अच्छा इंक्रीज़ देखने को मिला था। लेकिन वो इंक्रीज़ आया था ड्यू टू वन रीज़न, यहाँ जो लिस्टिंग हुई थी, अगर हम एलिस की बात करते हैं, माई नेबर एलिस, तो उसकी जब लिस्टिंग हुई थी बायनेंस के ऊपर, तो उसमें करीब 38,000% का इंक्रीज़ देखने को मिला था। और बहुत से लोगों ने यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट भी गेन किया है, लेकिन अभी फिर से ये डिप पे चल रहा है, तो ये डिप आप बाय कर सकते हैं। एलिस आपको आने वाले समय में यहाँ प्रॉफिट देने वाला है, उसका रीज़न भी अभी हम बताएंगे। लेकिन अगला हम बात करते हैं HBAR की। तो HBAR की बहुत दिनों से यहाँ लिस्टिंग चल रही थी, कॉन्टेस्ट चल रहे थे वज़ीरेक्स के ऊपर, यानी कि HBAR ऑलरेडी लिस्टेड है बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर, लेकिन वज़ीरेक्स की वजह से यहाँ प्राइस में गेन देखने को मिल रही है HBAR में। तो HBAR में भी आपको फिर से इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि 24 को यहाँ लास्ट शायद कॉन्टेस्ट होगा, प्राइस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो यहाँ आपको HBAR में भी इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें इंजन की, तो इंजन भी इसी तरीके से बहुत अपडाउन देख रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबल ही है, अभी भी प्रॉफिटेबल चल रहा है। तो ऐसे जो NFT कॉइन्स हैं वो आपको इस वक्त राइट नाउ अच्छा प्रॉफिट देने वाले हैं, क्योंकि अभी ये NFTs का सीज़न चल रहा है और इसी के साथ यहाँ लो कैप सीज़न चल रहा है, यानी कि जो लो कैप कॉइन्स हैं उनमें आपको अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट भी अच्छा गेन करने को मिल रहा है। तो ये सारे जो NFTs हैं ये भी अभी करंटली अच्छा ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ साथ ट्रेंडिंग यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट चल रहा है जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, ETFs में इन्वेस्ट करना है, NFTs में इन्वेस्ट करना है। हालांकि NFTs फिर से एक क्रिप्टो करेंसी की तरह ही है, आप इनको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इनडायरेक्टली आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप फिर भी इन NFTs को या फिर NFT बेस्ड टोकन्स को एज ए टोकन ना देखें, आप इनको एज ए प्रोजेक्ट देखें या फिर एज ए कंपनी देखें, क्योंकि ये ऐसी ब्लॉकचेन्स हैं जो NFTs बनाने में मदद करती हैं। यानी कि यहाँ जो बेस टोकन्स हैं, फैन टोकन्स हैं, या फिर इसी के साथ कुछ ऐसे हाइलाइट्स हैं उनको रिकॉर्ड करके एज ए टोकन बनाया जा रहा है, या फिर आपकी अचीवमेंट्स हैं, गेमर्स की अचीवमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करके या फिर उनको एज ए NFT टोकन्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। हज़ारों डॉलर्स के NFTs क्रिएट हो रहे हैं सिर्फ गेमिंग के, जहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हीं को कन्वर्ट किया जा रहा है NFTs में। तो ये जो ब्लॉकचेन्स हैं ये NFTs क्रिएट करने में सहायता कर रहे हैं, और ऐसी कंपनीज जो NFTs करंटली बना रही हैं, तो ऐसी कंपनीज और ब्लॉकचेन्स डेफिनेटली एक अच्छा मूव लेंगी और इनमें आपको प्राइस में भी इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। हालांकि जो NFTs का जो कंसेप्ट है वो 2017 से भी पहले का है, लेकिन अभी करंटली जो NFTs हैं वो बहुत ज़्यादा बाय हो रहे हैं, क्योंकि जो अगर हम बात करते हैं बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से नहीं, वो बल्कि हर अलग अलग चीज़ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। उन्होंने ETFs भी एक्सप्लोर किया, यहाँ तक कि NFTs को भी एक्सप्लोर किया, उन्होंने NFTs की भी बाय किए, और इसी तरीके से आपको NFTs में भी इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो आपका क्या सुझाव है यहाँ क्रिप्टो बिल के रिगार्डिंग, क्रिप्टो बिल
की वजह से यहाँ हमें इनडायरेक्ट मेथड्स फाइंड करने चाहिए, या फिर आपके हिसाब से कुछ और भी तरीका है जिससे आप क्रिप्टो करेंसीज में इनडायरेक्टली एक्सपोजर ले सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं बिना क्रिप्टो करेंसीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट किए, ये सारी डिस्कशन करने वाले कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ ये सारी डिस्कशन चलने वाली हमारे वॉफ्टेड ऑफिशियल ग्रुप में, कम्युनिटी ग्रुप है, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और इसी के साथ चैनल का लिंक मिल जाएगा। चैनल में आपको यहाँ सिग्नल्स मिलेंगे टाइमली, जैसे कि हमने लास्ट सिग्नल डाला था ट्रॉन का और इसी के साथ XRP का, वहाँ भी अच्छा प्रॉफिट लिया हमारे यहाँ ग्रुप मेंबर्स ने, कम्युनिटी मेंबर्स ने, और बाकी हम डिस्कशन करने वाले कम्युनिटी ग्रुप में। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने बहुत अच्छा इंक्रीज़ देखा आपके प्यार से, बहुत अच्छा चैनल ग्रो भी हुआ है, यहाँ लाइक्स भी अच्छे आए हैं, व्यूज़ भी अच्छे आए हैं, सब्सक्राइबर्स भी अच्छे मिले हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुँचाया जाए जो अभी बहुत परेशान बैठे हैं क्रिप्टो बिल को लेकर, तो उनको यहाँ कुछ अलग नए ऑप्शंस मिल जाएं ताकि वो फिर से एक नई उम्मीद के साथ क्रिप्टो करेंसी का एक्सपोजर ले पाएं और अच्छा प्रॉफिट भी ले पाएं। तो आज के लिए इतना ही, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, धन्यवाद।